ये बेसिकली मैं सब कुछ हूँ अभी, एक्साइट भी हूँ, नर्वस भी हूँ। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट एज अ मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं बेसिकली पहले निशिकांत कामत जी के साथ, मैंने उनके पहले फिल्म से उनके साथ काम कर चुका हूँ। मैं तभी क्लैपर था 2005 में, तब से 14-15 साल गए सब सीखने 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 में। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तब सोचा कि ये कुछ बनाते हैं। फिर एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आई रंगबाज करके, तो जार पिक्चर्स के अजय राय जी है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ाई। तो स्क्रिप्ट पढ़ के उसमें इतने इवेंट्स थे, इतने अच्छे अच्छे ट्विस्ट थे, टर्न्स थे खुद स्क्रिप्ट में, पेपर वर्क में, तो उसका एग्जीक्यूशन करना मुझे बहुत एक चैलेंजिंग एक रोल लगा। प्लस एक अलग टेरेन था, पूरी राजस्थान की कहानी है। तो हमने पूरा 63 डेज जितना शूट किया वो पूरा आउटडोर में किया। तो उधर कुछ हर लाइव लोकेशन में शूट करने का बहुत मज़ा आया। प्लस इतने अच्छे एक्टर्स मिले, जिमी सर की कहानी सुनाई, उनको अच्छा लगा। स्प्रोहा के साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, मतलब मैं तभी एक्टिंग करता था। एक्चुअली सब एक्टर बनने के लिए आते हैं, फिर धीरे धीरे टर्न हो जाते, लेकिन मैं तभी एक्टिंग करता था। हम दोनों ने एक्टिंग के में एक प्ले में एक और हीरो और हीरोइन का रोल भी किया है, और 2008 में। उसके बाद हमने साथ में काम नहीं किया। फिर ये स्प्रोहा का जब रोल आया, मेरा ऑडिशन देखा, फिर मैं बोला चलो ट्राई करते हैं। फिर स्प्रोहा आई, फिर सुशांत सर आए बोर्ड पे, फिर गुल मैम आई। ऐसे कर कर के इतनी सारी अच्छी स्टारकास्ट बन गई। तो मैं इस लाइक की इतने लक्के कैसे हो सकते हो पहले प्रोजेक्ट में। तो मैं बहुत एक्साइट हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको 2 एपिसोड अच्छे लगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह आप सब देखते हो बेसिकली, आपको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपको अच्छा लगा तो मैं तो हैप्पी हूँ यार। जिमी सर के साथ मैंने मदारे में काम किया था, तब मदारे में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तब जिमी सर थे। प्लस शरद के साथ मैंने लयबारी में काम किया था, रॉकी हैंडसम में काम किया था। तब वो शरद के साथ तो एक दोस्ती यारी का ही नाश्ता है मेरा, मतलब मैं डायरेक्ट फ़ोन करके बोला ये आप आओ सुनो और ये रोल करो, बस हो गया। तो हाँ ठीक है करते करके, तो उसने ऐसे ही हाँ बोल दिया। जिमी सर को कहा नहीं सुनाया मैंने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि मैं कैसे देख रहा हूँ इस सीन को या उस सीन को, मेरे दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ है। वो उनको अच्छी लगी और पहले काम कर चुके थे इसलिए उतना मुश्किल नहीं गया मेरे को जिमी सर को और शरद सर को लाने। लेकिन बाकी गुल मैम को कहानी अच्छी लगी, उनके लिए एक नया कैरेक्टर है पूरा। प्लस मुझे सबसे प्यारा मतलब अप्रोच लगा जिशान सर का। जिशान सर को जब मैंने कहानी सुनाई तो भी बहुत एक्साइट हो गए थे, बोलते कि मुझे आप कुछ मत बताओ, मुझे सब सेट पर बताओ। मतलब ठीक है सर, मैं आपको सब सेट पर बताता हूँ, वहाँ पर ही करते हैं। क्योंकि वो सॉरी भी बोलते हैं, जय हिंद भी बोलते हैं, उसके एक एक वर्ड में इतना एनर्जी है जिशांत के। तो बहुत मज़ा आया काम करने में इन सब के साथ। जैसे थैंक यू एक लास्ट बार यहाँ पे मैम इकड़े बाबा मैम नहीं हो ये बात ताजा सही क्यों थैंक यू मैम देख भी लिए काफी अच्छा लगा आपका कैरेक्टर भी, आपकी अदा भी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? स्क्रीनिंग भी है, मैं हुई ऐसा, आपको पसंद आया मैं जानता हूँ, मैं हुई ऐसा क्या करूँ
नहीं भाई, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ बिकॉज नया कैरेक्टर है और बहुत टाइम बाद एज एन एक्टर वापस दिखूँगा, पहली वेब सीरीज़ है। सो वेब सीरीज़ के रिएक्शन कैसे आएंगे, पसंद आनी चाहिए, अभी शब्द नहीं है यार। एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस। सो मैं भी अभी पहली बार देखूँगा, डबिंग में सिर्फ अपना पोर्शन देखा है, सो विद म्यूज़िक एंड एवरीथिंग क्या लग रहा है, सो एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ, चैलेंजिंग था, राजस्थानी बैकड्रॉप है तो राजस्थानी डिक्शन पकड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम था, पर महादेव जो हमारा डायरेक्ट कोच है, बड़ा अच्छा एक्टर भी है, NSD पास आउट है, वो लगातार हमारे साथ था, करेक्ट करता रहा। तो मैं वेस्ट यूपी का हूँ तो वहाँ का पुट ज़्यादा है और कभी कभी हरियाणवी पुट आ जाता है, और हरियाणवी और राजस्थानी में बहुत बारीक फ़र्क है, तो होता था कई बार बोलते बोलते मैं तो महादेव को, तो सर हरियाणवी हो गया सर, अच्छा सॉरी वन मोर, बट वी मैनेज। बार बार बाल काले करने पड़ते थे, कभी सफ़ेद करने पड़ते थे, सर आज यंग वाला लुक है, अच्छा मस्कारा लेके चलो लगो, इसके बाद सर अभी वो ओल्ड वाला लुक है, ओके सॉरी शैम्पू करके आता हूँ, बट गुड फन। व्हाट अ कास्ट, ड्रीम कास्ट, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना, थिंकिंग एक्टर्स, अनसेल्फिश एक्टर्स, स्पेशली जिमी, जो मेरे ज़्यादातर सीन्स जिमी के साथ हैं, सो इट वॉज अ प्लेजर। And I thank the makers, Jar Pictures, Z5, for giving me this wonderful, fantastic opportunity. और ऐसे ही सारे इसके sequel, you know, Rangbaaz 3, 4, 5, 6 सब में मर मर के जिंदा मैं होता रहूँगा, आता रहूँगा। भाई अभी क्या है कि मैं कह सकता हूँ there are you know couple of big things in the pipeline, but वो झूठ होगा, pipeline बिल्कुल सूखी पड़ी है अभी। I'm hoping Rangbaaz के बाद, देखने के बाद, makers will wake up again and you shall. जी मैं गया था आज अगस्त क्रांति मैदान टू शो माई सॉलिडारिटी विद ऑल द पीपल हु आर अफ्रेड, जो डरे हुए हैं इस नए बिल के आने की वजह से, एक्ट के आने की वजह से, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सवाल हैं लोगों के मन में, इंक्लूडिंग मी, एंड हम सब कोशिश कर रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की। इट वॉज सो पीसफुल, सो वंडरफुल, इतने लोग थे और सब मतलब देश के लिए नारे लगा रहे थे, हर तरफ जहां देखो तिरंगा लहरा रहा था। आई फेल्ट सो 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 प्राउड ऑफ माय मुंबई कार्स एंड स्पेशली मुंबई पुलिस, बहुत अच्छा बंदोबस्त था। देखिए आप जब एक पोजीशन में होते हैं तो आपको स्टैंड लेने का प्रेशर तो पड़ता ही है, क्योंकि लोग हैं जो बहुत प्यार देते हैं, लोगों के प्यार की वजह से ही हैं हम जो कुछ भी हैं, तो लोग टकटकी लगा के, आस लगा के देखते हैं कि हमारे मुद्दों के बारे में हमारे जो आइडल्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, वो कब बोलेंगे। बट देखिए सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, मैं ये दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम सबको एक दूसरे के विचारों की कदर करनी चाहिए, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग वेश भूषा भाषा रंग सब अलग अलग हैं, वो सब साथ रहें, जो बोल रहे हैं आपके साथ हैं, अप्रिशिएट दैट, और जो नहीं बोल रहे हैं कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कोई भी रिवॉल्यूशन दुनिया में कहीं भी सेलिब्रिटीज़ नहीं लेके आते हैं मेरे भाई, यूथ लेके आता है हमेशा, चाहे हमारा आज़ादी का संघर्ष, स्टूडेंट्स थे ना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो हीरोज़ बन गए, तो यहाँ भी हीरोज़ आप हो स्टूडेंट्स, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ नॉन वायलेंस, वी लर्न दैट इट वर्क्स एंड वी विल रिमेन नॉन वायलेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए ये बहुत स्पेकुलेशन भी है, मुझे खुद नहीं पता अभी कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। जी नहीं, मुझे सिर्फ 16 की रात को 2:13 पर, 16 की शाम को मैं प्रोटेस्ट में गया था, वाइफ का बर्थडे था तो इसलिए मैं लेट नाइट तक जगा हुआ था, रात को 2:13 पर एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुझे बताया गया कि सर 20 दिसंबर शायद आपके साथ शूटिंग का आखिरी दिन होगा। कुछ वजूहात दी गई जो मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी, ना मुझे उससे पहले कोई फ़ोन आया, ना बात आई, ना कोई मेल आया टर्मिनेशन का, कोई मुझे कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है, देयर हैज़ बीन नो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएवर फ्रॉम द चैनल। I have tweeted today that the statement issued by Star Bharat is absolutely untrue and I have all the proofs
and I'm filing a complaint with CINTA and the International Federation of Actors. Thank you, sir. Thank you. Mila? And you're wearing the scarf too. Thank you. Thank you. Thank you. That's so good to know. So, क्या कहना चाहेंगे आज स्क्रीनिंग है आज काफी गेस्ट आने वाले हैं. आपको मेरे चेहरे से दिखाई नहीं दे रही है मेरी नर्वसनेस. तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. बट या मतलब कोई भी चीज़ जब बन रही होती है तब बहुत खुशी होती है. और जब भी लोगों के सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो ये छोटी सी नर्वसनेस होनी भी चाहिए हर एक प्रोजेक्ट से पहले. तो आई बिलीव इन दैट एंड आई रियली होप कि जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि आपको पसंद आया है तो बाकी सारे लोगों को जो अभी इसके बाद पूरे 9 एपिसोड्स देखेंगे उनको भी पसंद आएगा. ओके, आप अपने कैरेक्टर के लिए क्या कुछ प्रिपेयर की थी, कितनी डिफिकल्टीज आई? छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज तो थी. पहली तो मतलब आई एम अ महाराष्ट्रियन एंड आई एम प्लेइंग अ राजस्थानी गर्ल इन दिस शो. सो एक बात तो ये थी कि वो डायलेक्ट पे काम करना है. और उसके बाद मैंने हिंदी में पहले इतना ज़्यादा काम नहीं किया है. मेरा ज़्यादातर के काम अभी मराठी में रह चुका है पहले. तो वो भी एक एंग्शियसनेस थी दिमाग में कि कैसा होगा क्या होगा. लेकिन द प्रोसेस वॉज ब्यूटिफुल. वी हैड लॉट ऑफ फन ऑन आर सेट्स एंड वी न्यू कि कुछ अच्छा बन रहा है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी देयर एंड जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस स्टेलर कास्ट वॉज आई थिंक इट्स समथिंग वेरी वेरी वंडरफुल फॉर मी. माहौल तो बहुत बढ़िया रहता था. हम लोग सब बहुत मजाकिए लोग हैं. हमारे डायरेक्टर जो है मिस्टर सचिन पाठक वो बहुत ही विटी है. तो ऑल्दो हम लोग बहुत इंटेंस कुछ शूट कर रहे होते थे लेकिन वो कुछ ऐसा एक मज़ेदार कुछ चीज़ बोल देते थे कि हम लोग सब वी यूज टू जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन व्हाइल शूटिंग द होल थिंग. एंड आई थिंक फॉर मी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट इन माई एंटायर करियर. बस अभी तो यार रंगबाज की रिलीज हो रही है तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट राइट नाउ. बट या देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन एंड आई थिंक वी विल टॉक अबाउट इट रियली रियली सून. जैसे कि ये स्टोरी पॉलिटिक्स से देखिए मैं महसूस करती हूँ कि एज अ सिटीजन वी आर एंटाइटल्ड टू हैव आर ओपिनियंस एंड वी आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेस्ट पीसफुली. अगर वो चीज़ हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए और वैसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को विरोध करने से पहले या सपोर्ट करने से पहले. एक बार ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुद्दा क्या है. वो मुद्दे के ऊपर स्टडी करने के बाद फिर आप अपना ओपिनियन ज़रूर बता दीजिए. कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के बारे में. लेकिन मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ कि बस कुछ फॉरवर्ड्स देख लिए व्हाट्सएप पे और मैंने अपना ओपिनियन बना लिया. तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ. और अभी जो चीज़ आपने पूछी है आई थिंक बिफोर कमेंटिंग ऑन दैट आई थिंक मुझे उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है बिफोर यू नो गिविंग माई एंटाइटल्ड ओपिनियन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. करता हूं कि आप जाके बाकी के एपिसोड भी देखेंगे. मैं भी पिछली बार यहां पे आया था रंगबाज का सीज़न 1 मैंने देखा था और मैं इमीडिएटली घर वापस गया. मैंने डाउनलोड किया Z5 और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे सारे जो हैं ऑब्वियसली सब अपने दोस्त थे जिन्होंने बनाया था सब कुछ था तो एक बार देख के उनको अपना रिस्पॉन्स तो देना ही था. बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर 2 एपिसोड देखें पसंद आया आप भी जाके डाउनलोड करेंगे और कल को पूरे 9 एपिसोड देखेंगे. यार ये सब बहुत नया है मेरे लिए. मतलब पहली वेब सीरीज़ है तो आई डोंट नो किस तरीके से वेब सीरीज़ में
क्या होता है क्या नहीं होता है, तो एक बार कल को स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी और एक बार रिव्यूज़ और अब इसका जो भी सिस्टम होता है, मतलब जैसे जैसे लोग देखते हैं उनका आपको फीडबैक आता है और सारा कुछ है, तो वो उस हिसाब से पता लगेगा कि क्या है। आई थिंक शूटिंग करते हुए तो हमें एक पैसे का डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि सेम कैमरा है जिससे आप फिल्में शूट करते हैं, सेम एक्टर्स हैं जिनके साथ आप फिल्में करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर से लेके डायरेक्टर फिल्मों से है सारा कुछ। तो आई थिंक जो टेक्नीशियंस बाकी के जितने थे सब फिल्में बनाने वाले थे, तो कभी शूट करते हुए तो ऐसा नहीं लगा। आई थिंक ड्यूरेशन का ही फ़र्क होता है, नॉर्मली फिल्म 2 से 2.5 घंटे की होती है और यहाँ पे कुछ 4.5 घंटे तक जो है आपको फुटेज शूट करना होता है। और आई थिंक बिकॉज इन सब के साथ मैंने पहले काम किया हुआ था, तो वो 60-70 दिन कैसे गए कुछ पता नहीं लगा। देखिए वही है, आई थिंक जो हैशटैग है इनका रंगबाज का, कि हैशटैग नॉट बॉर्न अ क्रिमिनल। सो वही है कि किस तरीके से एक इंसान, जैसे इस वाले में भी वही है कि एक इंसान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट था, जो बहुत टॉपर था यूनिवर्सिटी में सब कुछ, और उसके बाद यूपीएससी क्लियर किया उसने और आईपीएस बनने वाला था, और मतलब बहुत सपने थे उसके कि मैं देश के लिए ये करूँगा वो करूँगा, और किस तरीके से सिस्टम जो है उसने उसे क्राइम के रास्ते पे डाला, और आगे क्या होता है वो आपको फिल्म में दिखेगी। कल परसों ही तो मैं बोल के हटा हूँ, मैंने कहा कि प्रोटेस्ट करने का जो तरीका होता है वो वायलेंस के साथ ना किया जाए तो बेटर है। सारा कुछ हो रहा है, अब देखिए जैसे पिछले 2 दिनों से सारा कुछ हो रहा है, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ पोलिटिसाइज। तो हम सेंसिबल लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा कि हम क्या ओपिनियन किसी भी वीडियो को देख के या किसी चीज़ को देख के इमीडिएटली उस पर हम क्या ओपिनियन बना लेते हैं, उससे भी देश के अंदर एक अनइजीनेस का माहौल जो है वो आता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रोटेस्ट बट डू इट पीसफुली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सॉरी जी, देख लिया आप लोगों ने? मैंने नहीं देखा यार अभी तक। जी क्या कहना चाहेंगे, आज स्क्रीनिंग है जी, नहीं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज आप इतनी मेहनत करते हैं किसी कैरेक्टर के ऊपर, इतना बड़ा शो है, पहला सीजन सक्सेसफुल है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा एक स्ट्रेस होता है, बट हमने काम अच्छा किया। आई थिंक सबने बहुत अच्छा काम किया, राइटिंग अच्छी है सिद्धार्थ मिश्रा की, सचिन पाठक जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत ही बढ़िया हैं, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, सो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है अभी, बिकॉज सब कर लिया अब, तो आप लोगों के हाथों में रिजल्ट है। हम लोग हैं यार, हम लोग हैं, जिमी सर हैं, सुशांत सर हैं, जिशान है, ये हैं, अलग कहानी है, और
बिगर बेटर काफ़ी अच्छा है तो, और एक फ्लेवर है शो का, हमेशा देखा होगा आपने वो फ्लेवर बड़ा ही अनोखा है सो, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा मुझे इतनी उम्मीद है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है सर दर्शकों को निराश ना करने की, हाँ बढ़ी जाती है सर, अब जैसे जैसे लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं उसके साथ साथ आपको भी एक ख्याल रहता है कि आप दर्शकों को निराश ना करें, तो वो एक बात हमेशा रही है इस साल कम से कम जैसे ही रिलीजेज हुई हैं सारी। उम्मीद करता हूँ अगले साल जितनी रिलीजेज हैं, एक तो जनवरी में ही हैं अभी 10 तारीख को, आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। 10 तारीख की बात की आपने, 10 तारीख को तीन फिल्में रिलीज होंगी जी, कितना देखिए मैं तो काम कर लिया हम लोगों ने, वी बिलीव इन द प्रोडक्ट, बहुत बड़ी फिल्म है हाँ, तो वो भी अच्छी फिल्म है, हमारी भी अच्छी फिल्म है और यहाँ बहुत दर्शक हैं यार, 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ स्ट्रेस लेना चाहिए, 9,000 से 10,000 स्क्रीन्स हैं तो हमें सोचना नहीं चाहिए मुझे हिसाब से, और अलग अलग जोन की फिल्में हैं, एक पीरियड है, एक बड़े नाजुक एक इमोशन की कहानी है और एक अलग लैंग्वेज में है, सो आई थिंक करने की बात नहीं। जी देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग और लोगों का हक है एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का, बिल्कुल करना चाहिए और शांतिप्रिय हो रहा है, जैसा कि आज मुंबई ने प्रूव कर दिया कि आई थिंक प्रोटेस्ट शांतिप्रिय तरीके से हो सकता है, एंड ऑल थैंक्स टू मुंबई पुलिस जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। आई थिंक हमको हक है, एक अगर हमें किसी चीज़ से अगर हमें विरोध करना है तो हम उसको प्रकट कर सकते हैं, हमें आज़ादी उस चीज़ की, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इंडिया की एक खासियत रही है कि अगर आप पक्ष में हैं विपक्ष में अपनी बात रख सकते हैं, सो आज सब ने अपनी बात रखी है, रख रहे हैं लोग, हो सकता है सरकार सुने की। क्या करूँ क्या पूछा पूछिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जिमी सर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, तो मैं यू नो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई थिंक दिस इज गोइंग बी लाइक अ ग्रेट ग्रेट शो, सो आई कैन वेट टू वॉच इट। हाँ
आई थिंक दोनों ही वो अपनी जगह पे दोनों अच्छे हैं एंड साकिब ऑफकोर्स रंगबाज वन में था एंड दिस इज आई थिंक गोना बी इवन बेटर एंड बिगर सो कंग्रेचुलेशंस द होल टीम आई थिंक सबने बहुत मेहनत की है बहुत क्लियरली आप ट्रेलर में दिख सकते हैं सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट नहीं यार अभी रंगबाज की बात करते हैं देश की अब बात कर लिया यार मेरा शो है मतलब मैंने पहला सीज़न किया है और अब इतनी अमेजिंग कास्ट सेकंड सीज़न की जिमी सर हैं शो में जिमी सर इज़ वेरी वेरी डियर टू मी सो आई एम वेरी एक्साइटेड Z5 इज़ वेरी डियर टू मी आई मेड माय डेब्यू ऑन द वेब विद तरुण सर एंड द होल टीम सो या आई एम वेरी एक्साइटेड अब वो मैं खुद देख रहा हूँ यार अब मुझे भी नहीं पता क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा सो आई डोंट थिंक सो बट आई फील लाइक इट्स अ न्यू स्टोरी the concept is that every season is a new gangster and uski kahani hai and is bar ki kahani hai not born a criminal jo inka hashtag hai so I think it's a new story aur aapko isme meri jhalak nahi dikhi baki jaye to 83 ka bhi kaafi intezar hota yaar main bhi bahut intezar kar raha hu in fact aaj hi kabir sir mile aur mera unse yahi sawal tha ki maine kaha sir kaisi lag rahi hai mere bahut achhi lag rahi hai but shakib abhi bahut kam bacha hai so because there's a lot of post production work there's a lot of vfx work that needs to happen and we have a deadline 10th april we have to release so I have my fingers crossed yaar it's lovely lovely material it's a lovely script it's a lovely character it's a lovely bunch of actors that I'm working with so I'm very very excited for that as well यार आजकल क्या होता है हर पिच हर एक महीना पहले एक महीना 40 दिन पहले आता है हर फिल्म का मेरे ख्याल से तो उसी वहीं होगा मेरे भाई बट यू आई थिंक यू स्टार्ट सीइंग समथिंग और दी अदर कुछ ना कुछ आपको झलकियाँ फोटोज पोस्टर्स और कुछ लोग ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी लीडिंग अप टू द फिल्म दैट विल बी मच बिफोर द ट्रेलर जी 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 यार रणवीर बहुत खूबसूरत एक्टर है मेरे भाई तो वो जैसा भी पर्सनल लाइफ में हो वो एक अलग चीज़ है वो जब कैरेक्टर करता है तो वो उसमें ढल जाता है इज़ अ वेरी 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 एंटरटेनिंग एक्टर टू वॉच सो आई डोंट थिंक उसको कोई भी डिफिकल्टी हुई आई एम श्योर हुई होगी बट हमें नहीं दिखी मतलब यार आई थिंक दिस इज नॉट द पोडियम बट आई स्टिल से व्हाटएवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट एंड एंड द स्टूडेंट्स आर हर्टिंग द पीपल आर हर्टिंग एंड गुड आई वाज एट द प्रोटेस्ट टुडे आई वाज एट द प्रोटेस्ट एट द इन टाउन सो इट वाज गुड टू सी अ गुड टर्न आउट इट वाज ओवरवेलमिंग कि वहाँ पर बहुत सपोर्ट था लोगों का तो आई एम होपिंग यार डेमोक्रेसी में लोगों की सुनी जाती है तो देखते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू कहाँ पर लोग